असाब क्लास, पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्कैटर डायग्राम को। स्कैटर डायग्राम हमारे पास तीन टाइप की थी, लाइनर, कर्व लाइनर और नो रिलेशनशिप। तो हमारा सिलेबस जो है वो कंटिन्यू हो रहा है ऑन द बेस ऑफ लाइनर इक्वेशन पर। तो लाइनर रिग्रेशन इक्वेशन की डिटेल जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑन द बिहाफ ऑफ लाइनर रिलेशनशिप दो तरह की होती है, एक्स एंड वाई एंड वाई ऑन एक्स। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो कांस्टेंट होता है वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है, और जो कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, बी कहलाता है। तो इसकी इक्वेशन की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड इज बी। बी यानी कि रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, एन, जो कि हमारी नंबर ऑफ क्वान्टिटी होती है, समेशन ऑफ एक्स एंड वाई, समेशन एक्स मल्टीप्लाई विथ समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन, समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बी की कैलकुलेशन के लिए। और ए की जो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार और एक्स बार हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी प्रीवियस स्टडी में कंटिन्यू रहा है। तो पहला एक मे बी वाई ऑन एक्स हो, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई। तो अगर इक्वेशन x ऑन y होती है तो c जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है वो क्या है, d है। d की कैलकुलेशन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n जो कि नंबर ऑफ वैल्यूज है, समेशन x y दो तीन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, समेशन x एंड समेशन y, समेशन n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का स्क्वायर। c के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो क्या है, x बार माइनस डी वाई बार। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें सी कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी अप्लाई हो रहे होंगे, तो वो उन पॉइंट्स को हम जरा देख लेते हैं कि पहली चीज़ क्या है, लाइनर इक्वेशन आल्सो नोन एज लीस्ट स्क्वायर लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो मे बी ये लाइनर इक्वेशन के नाम से आपके पास कॉम्पिटिशन करने के लिए आए, या फिर लीस्ट स्क्वायर लाइन के नाम से भी ये आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि y जो है वो हमें फाइंड आउट करना होगा, जबकि x जो है वो हमें गिवन होगा। तो जो x हमें दिया जा रहा होगा तो हम उसमें पुट करेंगे a और b की वैल्यू जो कि हमने अपने फॉर्मूला से कैलकुलेट की होगी। इट मे बी के रिग्रेशन लाइन y और ऑन x के बजाय x ऑन y हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि हमें x कंप्यूट करना होगा, जबकि डेटा में हमें किसकी वैल्यू दी जा रही होगी, y की वैल्यू दी जा रही होगी। तो जब हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, x इक्वल टू c प्लस डी वाई। तो ये दोनों चीज़ें हम अपने फॉर्मूला से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके होंगे, y की वैल्यू हमें डेटा में दी जाएगी। तो जब हम इन सब वैल्यूज को जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वो क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट जो हमने अभी दो डिस्कस किए, एक था b और दूसरा था d। तो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ b को हम बी वाई ऑन एक्स भी कहते हैं, और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ डी को हम बी एक्स ऑन वाई भी कहते हैं। तो इसी के साथ अब हम अपने लेक्चर में इसकी प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।